दोस्तों, हिंदु पुराणों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु ने कछुए के रूप में अवतार लिया था, जिसे शास्त्रों में कच्छप अवतार के नाम से जाना जाता है। पुराणों के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था। कहा जाता है कि जहाँ कछुआ होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। धार्मिक रूप से हमारे शास्त्रों में कछुए को बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है, इसलिए हिंदू सनातन धर्म में कछुए की पूजा भी होती है। वास्तु शास्त्र में कछुए के अनेक गुण और वास्तु लाभ बताए गए हैं, जिसके अनुसार अपने घर में कछुए को रखने से आपकी अनेक परेशानियां और वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कारोबारी लोग अपनी दुकानों और घर में कछुआ रखना सुख समृद्धि और खुशियां बढ़ाने के साथ साथ मंगलकारी मानते हैं। तो आइए जानते हैं घर में कछुआ रखने के फायदों के बारे में। हम में से अधिकतर लोगों को लगता है कि किसी इंसान के मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अधूरे ख्वाब और अकस्मात हुई मृत्यु के चलते उस इंसान की आत्मा भटकती रहती है, जिसे हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। और ये रूह जिसकी भी जिंदगी में आती है उसके परिवार में भारी विपत्ति लेकर आती है, और धीरे धीरे वो परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। अगर हम फेंग शुई या धर्म शास्त्रों की माने तो घर और ऑफिस में कछुआ रखना बहुत शुभ माना गया है। घर में कछुआ रखने से घर में नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाती है और पॉजिटिव ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। आपको बता दें दोस्तों, कछुए की उम्र काफी लंबी मानी जाती है और इसे लंबी उम्र का प्रतीक भी माना जाता है। मतलब इस प्रकार की मान्यताएं हैं कि अगर आप कछुआ को अपने घर के अंदर रखते हैं तो इससे आपकी और आपके परिवार के सदस्यों की उम्र बढ़ती है, साथ ही साथ इससे आपके घर में सुख शांति बढ़ती है। वास्तु के अनुसार कछुआ को घर में रखने से विद्यार्थियों की एकाग्रता में वृद्धि हो सकती है। उत्तर दिशा में रखे धातु के कछुए उनके एकाग्रता को बढ़ाते हैं और उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा में रखने से उनके दिमाग को तेज करने में मदद मिलेगी। यदि किसी के परिवार में घर के सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो घर में दो कछुओं का जोड़ा रखना चाहिए। ऐसा करने से घर के सदस्यों के बीच चल रही अनबन खत्म हो जाएगी और प्यार बढ़ेगा। कछुआ घर पर रखने से शांति बनी रहती है, आपसी प्यार बढ़ता है। कछुआ रखने से क्लेश और बुरी शक्तियां दूर होती है। दोस्तों, आपने भी ये अनुभव किया होगा कि घर के छोटे बच्चों और नई नवीली दुल्हन को बहुत जल्दी नजर लग जाती है। फेंग शुई विज्ञान कहता है कि कछुए को घर पर रखने से किसी की बुरी नजर नहीं लगती। कछुआ नजर दोष खत्म करता है, साथ ही अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य लंबे समय से सही नहीं हो तो कछुए को दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए, इससे लाभ होता है। घर में कछुआ रखने से घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र बना रहता है और गंदी बीमारियां घर में नहीं आती है। दोस्तों, आजकल कैरियर, नौकरी, व्यवसाय में तरक्की पाने के लिए प्रयासरत लोगों के लिए कछुआ शुभ फलदायी है। जो विद्यार्थी परीक्षा और प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं उनके लिए पीतल का बना कछुआ सफलता पाने में मददगार हो सकता है। कछुए से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा बहुत ही कारगर होती है। वास्तु और फेंग शुई के अनुसार ऐसा कछुआ जिसकी पीठ पर कछुए के बच्चे हो उसे संतान प्राप्ति के लिए खास माना जाता है। जिस घर में संतान न हो या जो दंपत्ति संतान सुख से वंचित हो उन्हें इस प्रकार का कछुआ अपने घर में रखना चाहिए। माना जाता है जल्दी उस घर में बच्चे की किलकारियां सुनाई दे सकती है। फेंग शुई के अनुसार कछुए को कभी भी अपने बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना फेंग शुई के हिसाब से नुकसानदायक हो सकता है, इसका उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। कछुए की स्थापना हेतु सर्वोत्तम स्थान घर का ड्राइंग रूम है। घर पर रखे जाने वाले कछुए का मुंह घर के अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए। ऐसे भी और रोचक वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही किसी भी वीडियो पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।